नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज आपको मैं बता रहा हूं इस वीडियो में कि जो पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की 14,000 पदों पर भर्ती के लिए जो तैयारी हो गई उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल भी आ रहे थे, बहुत से कमेंट्स भी आए कि सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, ये बात सही है या गलत है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ये न्यूज़ भी आपने देख ली होगी, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि आपने न्यूज़ नहीं देखी है तो इंदौर का डीबी स्टार जाइएगा, पेज नंबर 2 पे, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और एक बात को ध्यान में रखना, यदि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की और कॉन्स्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो एएस एकेडमी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो यदि आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साइन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी न्यूज के बारे में। दोस्तों ये जो न्यूज है आपको इंदौर भोपाल डीवी स्टार से निकली हुई है, पेज नंबर 2 पर ये न्यूज थी, आप भी वहां पर देख सकते हैं। जैसा कि लिखा है कि पुलिस मुख्यालय को राज्य शासन के अनुमति का इंतजार है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि पुलिस मुख्यालय को सिर्फ राज्य शासन की हरी झंडी की आवश्यकता है, बाकी ये सारी तैयारियां आपकी हो गई हैं। और आप अपनी तैयारी अभी नहीं कर रहे तो अब आप अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि यहां पर हरी झंडी कभी भी मिल सकती है, बट आपकी हरी झंडी अभी नहीं है, क्योंकि आपकी झंडी लाल झंडी ही होगी। तो अब आपको हरी झंडी करना है तो एएस एकेडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा या फिर आपको तैयारी करना पड़ेगा। और तैयारी कैसी होगी, एएस एकेडमी के माध्यम से होगी। तो अपनी हरी झंडी करना है तो एएस एकेडमी से जुड़ जाइए। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ के भी बता देते हैं कि क्या लिखा है दैनिक भास्कर में, उसके बाद हम अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सिपाही पद के लिए होने वाली भर्ती पुलिस मुख्यालय द्वारा कराई जाएगी। ये बात सब क्लियर कर लो कि जो पुलिस सब इंस्पेक्टर और सिपाही पद की भर्ती है वो किसके माध्यम से कराई जाएगी, पुलिस मुख्यालय द्वारा कराई जाएगी। इसके लिए चयन एवं भर्ती की शाखा ने पूरी तैयारी कर ली है, मतलब भैया यहाँ पर पूरी तैयारी है, अब आपको अपनी तैयारी में लगना है तो लग जाओ कल से। पुलिस मुख्यालय को राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। पुलिस मुख्यालय को किससे झंडी मिलने की तैयारी है, सिर्फ राज्य सरकार से। अब आपको भी अपनी हरी झंडी करना पड़ेगी, तो वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। संभवतः यह सभी स्कूल एवं कॉलेज की परीक्षाओं के बाद आयोजन की जा सकती है। आप मान के चलो कि जब हमारी स्कूल की परीक्षाएं तैयार कंप्लीट हो जाएंगी, कॉलेजेस की परीक्षाएं तैयार हो जाएंगी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ये भर्ती हो सकती है, इसके बाद इसका एग्जाम हो सकता है, इसके बाद इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। आगे की बात कहें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षाएं कराए जाने की कयावत पिछली सरकार के समय से चल रही है, हालांकि उम्मीदवार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने से लिखित परीक्षा के पक्ष में है। ये बात भी सुनना पड़ेगी आपको, क्योंकि 14,000 से अधिक पदों पर सब इंस्पेक्टर और सिपाही की भर्ती होनी है, पिछले 3 साल से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। व्यापम घोटाले के बाद पिछली सरकार ने पीईबी को बंद करने का निर्णय लिया था, इसके बाद भर्ती के लिए लिखित परीक्षा किन एजेंसियों से कराई जाए इसकी सबसे बड़ी दुविधा थी, इसके बारे में बात चल रही थी। और अब लगभग साफ हो गया है कि ये भर्ती पुलिस मुख्यालय द्वारा कराई जाएगी और पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा इसका प्रस्ताव और नियमावली शासन को भेजी जा चुकी है। अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं तैयार ही हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से, बाकी आपकी कमी है। मतलब कमी क्या है, आप रोके हैं कि अब आप तैयारी नहीं कर रहे थे, हो सकता है कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी। आगे की बात कहें कि सीनियर अफसर भी चाहते हैं कि यह भर्ती पूरी मतलब पूर्व की भांति पुलिस मुख्यालय द्वारा कराई जाए। पहले जो भर्ती होती थी वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा होती थी, लेकिन चयन एवं भर्ती एडी जी संजीव शर्मा जी का कहना है कि 1.5 साल से पीईबी ने कोई परीक्षा आयोजित नहीं की है, ऐसे में पूरी संभावना है कि यह भर्ती विभाग द्वारा कराई जाएगी। यह भर्ती परीक्षा पुलिस मुख्यालय आयोजित करे, इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है, शासन से उसकी मंजूरी मिलने का इंतजार है। युवाओं ने पुलिस भर्ती कराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा काम किया, यदि आपने ऐसा किया है तो हो सकता है जल्दी काम हो जाए। बड़ी संख्या में युवा ट्विटर पर मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जल्द ही पुलिस भर्ती की जाए, पिछले कुछ सालों में भर्ती ना निकलने से कई युवा परीक्षा की तैयारी करते हुए ही ओवर एज हो गए हैं, इसलिए वे भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये बात हमें बता दूं कि अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि ये बात तो आपने सुन ली,
और ये न्यूज़ भी मैंने आपको बता दी कि डीवी स्टार इंदौर की है। इस वीडियो में जो बातें लिखी थी वो मैंने आपको बता दी। अब हमें इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा इसका एक फंडा है कि अब मध्य प्रदेश में एसआई और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी और आपको अपनी तैयारी करना है। अब आपको अपनी तैयारी करना है तो आपको एएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और एएस एकेडमी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के साइन पर क्लिक कर लेना है, जिससे हम जितने भी एसआई और पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वीडियो डालेंगे वो आपको सारे मिलते रहेंगे। मैं आपको मंडे से सारे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और मैं ऑनलाइन और फ्री कोचिंग क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं फ्री कोचिंग दूंगा आप सभी के लिए, मेरा प्रॉमिस है।